हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम आपके रिश्ते की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इस रिश्ते की सच्चाई क्या है जिस रिश्ते को आप जी रहे हैं या फिर जिस रिश्ते में आप सफ़र कर रहे हैं। अगर बहुत परेशानी मिल रही है जिस रिश्ते में आप हो, चाहे आप अपने हस्बैंड के साथ डील कर रहे हो, अपनी वाइफ के साथ डील कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, कोई बहुत ख़ास दोस्त जहाँ पर बहुत प्यार है, इमोशंस है, बहुत सारे जज्बात हैं और आप अक्सर वहाँ पर स्टक हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता है कि क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, क्यों मुझे ये रिश्ता मिला, क्यों मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ, आखिर क्या है, क्या चाहता है यूनिवर्स, या जो भी चीज़ें, जो भी दिमाग में आपके क्वेश्चंस आते हैं ना जब भी आप इस रिश्ते में सफ़र करते हो, तो उन क्वेश्चंस को ढूंढने की आज मैं कोशिश करूँगी, पता करने की कोशिश करूँगी कि आखिर क्या सच्चाई है इस रिश्ते की, क्यों आपको ये रिश्ता मिला है, क्या हो सकता है आगे या क्या हो रहा है अभी। जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी आपको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी और जानूँगी कि क्या है आपके रिश्ते का सच। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक पर्सन के साथ रेजोनेट हो जाए, 100% रेजोनेट हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी के साथ थोड़ा रेजोनेट हो, किसी के साथ कुछ चीज़ें ना हो, किसी के साथ पूरी की पूरी कहानी मैच हो जाए और किसी के साथ बिल्कुल कहानी मैच ना हो। तो आपको ओपन माइंड होकर, ठीक है, ओपन माइंड से ये वीडियो को देखना है, जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसको लेना है और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती हैं उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो यूनिवर्स, आज मैं देखने की कोशिश करूँगी आपके रिश्ते की सच्चाई। पॉजिटिव रहकर इस वीडियो को देखिएगा। यूनिवर्स मुझे बताए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इनके रिश्ते की सच्चाई आखिर क्या है। पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, आपके पर्सन की एनर्जीज निकालूंगी और फिर आपके रिश्ते की एनर्जीज निकालूंगी और सारे कार्ड्स एक साथ निकालने के बाद पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने रखूंगी। यूनिवर्स मुझे बताए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज इस वक्त क्या है। द डेविल, पहला ही कार्ड बहुत नेगेटिव है। ओ माय गॉड, एट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत नेगेटिव एनर्जीज में हैं आप इस वक्त। द सन, ओके नाइस। फाइव ऑफ कप्स, एक और कार्ड निकालूंगी। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज मैं चेक करना चाहती हूँ क्या आती है और ओवरऑल फिर आपको बताऊंगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स मुझे बताइए प्लीज। जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वॉन्स, टू मोर कार्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, नाइस। आपके रिश्ते की जरा एनर्जी मैं चेक करती हूँ, आपकी रिश्ते की सच्चाई, उसके बाद बयां करूंगी। यूनिवर्स इनके रिश्ते की क्या एनर्जीज है मुझे बताइए, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं और उनके जो पार्टनर हैं उनके रिश्ते की क्या एनर्जीज है। फाइव कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्स, द टावर, इस वक्त रिश्ता पूरी तरीके से खराब है, पूरी तरीके से बिखर चुका है। ओके यूनिवर्स, मुझे अब इस रिश्ते का पूरा सच जानना है, प्लीज गाइड कीजिए। द मैजिशियन, आज मैं डिटेल, वाओ, मुझे इस कार्ड की तलाश थी, मेरा दिल कह रहा था ये कार्ड आने वाला है, आ गया, आ गया। जो मेरे माइंड में जो स्टोरी चल रही थी,
बस मैं इसी कार्ड का वेट कर रही थी, और देखिए ये कार्ड आ गया। आपको मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। लास्ट द हर्मिट, गुड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ना आपकी स्टोरी सुनाती हूँ कि आप इस वक्त किस एनर्जीज में हैं, और सारी चीज़ें फिर आपको समझ में आएंगी। कहानी की शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली हर रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, तभी आप एक रिश्ते में आते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपकी एनर्जीज हैं, बहुत एक कहते हैं ना उदासी, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, वहाँ से आप गुजर रहे हैं। आपको पैनिक अटैक्स भी आते होंगे, एक नेगेटिविटी में आप छाए हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इतना नेगेटिव हो रही हूँ, इतना नेगेटिव हो रहा हूँ, इस चीज़ से मैं कभी निकल भी पाऊँगी या नहीं निकल पाऊँगी। हालाँकि आप उम्मीद में हैं, आप उम्मीद में हैं कि कभी ना कभी इस एंजाइटी से, इस नेगेटिविटी से, इस डिप्रेशन से मैं ज़रूर बाहर निकलूँगी। अगर आप एक लड़के हैं तो उसको वैसे लीजिएगा, एनर्जी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं निकलूँगी और करूँगी, इसमें ज़्यादा बात करती हूँ, ठीक है। तो आप लड़के हैं तो आप उस नज़रिए से देखिएगा। तो एक निगेटिविटी छाई हुई है, एक एडिक्शन। कुछ लोग इतनी निगेटिविटी के कारण, जो उनको इस रिश्ते में जाने के बाद मिली हाल फिलहाल की जो एनर्जीज हैं, कुछ एडिक्शन के भी शिकार हुए हैं, चाहे वो मोबाइल के लिए एडिक्शन हो, वीडियोस देखने की एडिक्शन हो, किसी गलत चीज़ की एडिक्शन में भी पड़े हुए हैं। हालांकि बीच बीच में उनको होप मिलती है, चाहे किसी मेंटोर की मदद लेते हो, वहाँ से आपको एक होप मिलती हो कि चीज़ें ठीक होंगी, कोई वीडियो देखकर आपको एक होप जगती हो कि चीज़ें ठीक होंगी और आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। नेगेटिविटी ज़रूर है, आपके खुद के थॉट्स जो आपने बहुत ज़्यादा सोच रखे हैं, वो माइंड को बिल्कुल उस पर कब्ज़ा कर लिया है आपके माइंड पर, इस तरीके के एनर्जीज में आप हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी तो आप एक होप रखते हैं कि कभी ना कभी तो मेरा टाइम आएगा, कभी ना कभी उस पर्सन को रियलाइजेशन होगा, जिस पर्सन ने आज मुझे इतना रुलाया है, आज मुझे हर्ट किया है। जब आप उसके बारे में सोचते हो, जब आप पुरानी बातों को सोचते हो, जब आप उसकी डीपी देखते हो अपने पर्सन की, या फिर अपने आप को ब्लॉक होता हुआ देखते हो कि मैं ब्लॉक हूँ, उस पर्सन ने मेरे साथ कैसा किया, मुझे इतना हर्ट कर दिया, जब आप ये सोचते हो कि मैंने कितना प्यार किया था, कितनी सारी फीलिंग्स शेयर की थी, क्या कुछ नहीं किया, और आज उस पर्सन ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो आपका जो दिल है ना वो टूट जाता है, आप बिखर जाते हो। वहीं पर आप फाइव ऑफ कप्स की सिचुएशन में, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी इसमें बिखर आ जाते हो, जहाँ पर आपको ये फील होता है कि सारा रिश्ता टूट गया, जो मेरा अपना था वो खो गया, मेरे से दूर हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक उम्मीद ज़रूर जगती है, क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है, मैं आपको बता रही हूँ, उस डिवाइन की कृपा है आप पर। आपको नेगेटिविटी ज़रूर आती है, क्योंकि वो चीज़ें पुरानी जो यादें आती हैं ना, वो फीलिंग आपके अंदर घर कर जाती है और नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन वो डिवाइन अभी भी आपके साथ है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। उस डिवाइन पर आपको भी भरोसा है, और वो डिवाइन आपको बीच बीच में ज़रूर फील कराते हैं, यूनिवर्स ज़रूर फील कराता है किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, कि चीज़ें आगे ठीक होंगी। ये जो सिचुएशन आज तुम झेल रहे हो, ये हमेशा नहीं रहेगी, और तब आपके अंदर एक होप जगती है, तब आपको लगता है कि मेरे जीवन में भी अबंडेंस आएगी, मैं सिचुएशन से बाहर निकलूंगी, एक दिन मेरे रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, एक दिन फिर से मैं अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होंगी, एक दिन मेरे पार्टनर को रियलाइजेशन होगा, मेरी वैल्यू पता चलेगी, और वो फिर से कनेक्शन करेगा मेरे साथ, कनेक्शन जोड़ेगा और रिश्ते में आएगा। इस तरीके की एनर्जीज इस वक्त आपकी हैं। आपके पार्टनर की मैं एनर्जीज की बात करूँ तो आपके पार्टनर फिलहाल बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता ऐसे ख़त्म होने वाला रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में है कि दोबारा चीज़ें शुरू की जाए आपके साथ, दोबारा से एक्शन लिया जाए, दोबारा से आपके पास आया जाए, दोबारा से आपसे प्यार का इजहार किया जाए, क्योंकि उनको डिवाइन ने बता दिया है, बेटा जिसको छोड़कर तुम भागे हो या जिसको छोड़कर तुम भागी हो, वही तुम्हारा असली पार्टनर है, वही तुम्हारा असली सोलमेट है। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आ रही है, ट्विन फ्लेम या एक
सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, जो आपके अंदर फीलिंग आ रही है ना कि मेरे पर्सन को कभी ना कभी रियलाइजेशन हो, डेफिनेटली उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। और आज अभी इस वक्त की जो फीलिंग्स है, ये जो मैं आज जो रीडिंग कर रही हूँ, ये 5-5 पोर्टल अभी ओपन हुआ है कल, और डेफिनेटली ये एनर्जीज अभी रहेंगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज बदलाव लेकर आ रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, आपकी एनर्जीज में, और आपके रिश्ते के एनर्जी में भी। तो बहुत कुछ बदलने वाला है। जिस रियलाइजेशन को आप फील कराना चाहते थे अपने पार्टनर को, वो रियलाइजेशन डिवाइन उनको फील करा रहा है, क्योंकि आपका जो आपके साथ जो जस्टिस है वो तो होना ही होना है। तो डेफिनेटली डिवाइन उनको फील करा रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपने अच्छा बिहेव नहीं किया, जिस पर्सन से मुंह मोड़ कर आप गए, वही आपका डिवाइन कनेक्शन है, वही आपके लिए सही है। और आज उसको रियलाइज़ हो रहा है, आज बड़े दुखी से हैं, थोड़े टेंशन में हैं, दोबारा से आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, फील कर रहे हैं आपके लिए प्यार। इस एनर्जी में आपके पार्टनर है। रिश्ता, हालांकि रिश्ते में अभी भी टावर मोमेंट है, रिश्ते हम एकदम से बहुत खूबसूरत रिश्ता, क्योंकि बिखरा है यहाँ पर सब कुछ, चीज़ें खत्म हुई हैं, खत्म हुआ है जो भी बहुत खूबसूरत पल था, एकदम से चीज़ें डेस्टिनी, या मैं बोलूँगी आपके पार्टनर ने जब समझा नहीं तो डेस्टिनी ने या यूनिवर्स ने समझाने के लिए चीज़ें एकदम से ख़त्म कर दी, दोनों को एकदम से अलग कर दिया। आपका पार्टनर एकदम से आपको छोड़कर चला गया, आपके बीच आर्ग्यूमेंट हुए और उसने मूव ऑन किया, या एकदम से वो चला गया कि अभी मुझे बात नहीं करनी, चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कहता है, ये सिर्फ आपको रियलाइजेशन कराने के लिए या फिर आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हुआ था, ये डेस्टिनी ने कराया था, ये सब डिवाइन प्लान था जो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि अब कुछ आगे आने वाला है, बदलाव आने वाला है, कुछ लेसन सीखना है। मे बी आपने इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी दिखा दी, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, आपने अपने ऊपर फोकस नहीं किया। डिवाइन को आपको ग्रो कराना था, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं, एंड डेफिनेटली फिर रिश्ता एकदम से ख़त्म हुआ। लेकिन रिश्ते का आगे का सच, जो अभी की एनर्जी है रिश्ते की, जो मैं बता रही हूँ कि जो अभी है सब एंड है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून सब पर भारी पड़ गया यहाँ पर, क्योंकि ये अभी कार्मिक सिचुएशन चल रही है आपके रिश्ते की। लेकिन ये रिश्ता कार्मिक नहीं है, ये रिश्ता बहुत डिवाइन है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन मिल रही है। ये जो आपके पार्टनर हैं ना माई डियर फ्रेंड, आप देख लो ये दो कार्ड जिसका मैं वेट कर रही थी, द लवर्स, द मैजिशियन। ये दुनिया जहां में चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, किसी पार्टनर के साथ हैंग आउट कर ले, शादी कर ले, इवन कुछ भी रिश्ता रख ले, आपको दिल से नहीं निकाल सकते, आपको दिल से नहीं निकाल सकते। ये वो रिश्ता है जो चाह कर भी ये तोड़ नहीं सकते, कितना भी आपको भूलने की कोशिश करें भूल नहीं सकते। मुझे वो वाइब्स मिल रही है इस पूरे कार्ड्स के जरिए। इनको जब ये आपको छोड़कर गए थे या आपसे मूव ऑन उन्होंने जब किया ना, तो इन्होंने सोचा था कि अरे भूल जाऊंगा जैसे बाकियों को भूल गया, या भूल जाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें तो होती रहती हैं, ब्रेकअप आए दिन शायद होते रहते हैं, या फिर भूलना ठीक है आज नहीं तो कल भूल ही जाऊंगा। लेकिन वही वाला गाना है ना, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, गाना अपने आप आ ही जाता है। तो वही वाली बात है, ये कहीं भी चले जाएं, किसी के साथ भी कुछ भी रिश्ता रख लें, लेकिन आपसे, आपकी यादों से बचकर ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि डिवाइन इनको जाने ही नहीं देगा। क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये आप दोनों का कनेक्शन है, आप इनके असली पार्टनर हैं, और ये बात इनको रियलाइज हो रही है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशनशिप पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। देख लो, द लवर्स भी आ गया, टू ऑफ कप्स भी आ गया, क्या चाहिए और, द सन कार्ड भी है आपकी एनर्जीज में, क्या चाहिए और, मैजिशियन मिल गया और क्या चाहिए,
और क्या चाहिए, तो ये है इस रिश्ते का सच। इस रिश्ते की सच्चाई जानना चाहते हो, ये रिश्ता डिवाइन कनेक्शन है, डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शन है जिसको डिवाइन ने चुना है। आप दोनों को इस कनेक्शन में डिवाइन ने लाया है, डिवाइन की मर्जी से आप अलग हुए हो और डिवाइन ही आपको ज़रूर 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 दोबारा मिलाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन आप दोनों का है। तो आप दोनों जब तक मिलेंगे नहीं, कहानी पूरी होगी नहीं। तो कहानी तो जब शुरू हुई है तो ख़त्म ज़रूर होगी, और ख़त्म कब होगी, जब आप दोनों मिलेंगे। तो डेफिनेटली इस रिश्ते पर ना भरोसा कीजिए। अगर आपका मन बहुत उदास है क्योंकि आप वाकई में एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, द डेविल की एनर्जीज में है, थोड़ी सी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ही है एक्चुअली, लेकिन एक होप है आपके अंदर जो डिवाइन देता है। एंजल्स आपको गाइडेंस देते हैं, आपको नंबर्स दिखते होंगे, एंजल्स नंबर दिखते होंगे, यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करता और बोलता है कि बेटा ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, ये सिचुएशन से तुम बाहर ज़रूर निकलोगे एक दिन, और मैं तुमको निकालूंगा, मैं तुमको गाइड करूंगा। तो ये जो होप आपके अंदर आती है ना, इस होप पर काम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपने अंदर की जो पावर है ना उसको पहचानिए, अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई लेवल पर लेकर आइए, और अपने पार्टनर को जिसको आज रियलाइजेशन हो गया है आपकी वैल्यू का, उसको खुद अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। वो खुद आएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपके बिना उसका गुजारा नहीं है, उसको पता है कि आप ही उसके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ये चीज़ उसको रियलाइज़ हो चुकी है, डिवाइन ने उसको रियलाइज़ कराई है। ये है आपके रिश्ते का पूरा सच। तो इस रिश्ते के लिए यूनिवर्स से थैंक यू बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि थैंक यू होना बनता है। ऐसा रिश्ता बहुत किस्मत से मिलता है। प्रॉब्लम्स आती हैं जब जब आप अपने आप से दूर होंगे, यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर से दूर करेगा। क्यों? ताकि आप फिर से खुद से कनेक्ट हो पाए, फिर से उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पाए। और जैसे ही आप खुद की खोज में लग जाते हैं, खुद से अपने अपने अंदर की आत्मा से कनेक्ट होते हैं, उस यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन आप दोनों को फिर से मिला देगा। और ये चीज़ें फ्यूचर में मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है, मिलने के लिए ही आप लोग बिछड़े हो, आप बने ही एक दूसरे के लिए हो। तो आई एम सो हैप्पी, इमोशनल भी हो रही हूँ मैं यहाँ पर इस रीडिंग को करते हुए। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब ऐसे कार्ड्स, क्योंकि मेरे जब मैं ये रीडिंग कर रही थी, मेरे माइंड में कुछ कार्ड्स थे कि ये कार्ड्स ज़रूर आएंगे इस रीडिंग में, एंड डेफिनेटली वो कार्ड्स आए। टू ऑफ कप्स, द लवर्स, द सन, ये कार्ड्स मेरे दिमाग में थे और फाइनली ये कार्ड्स आए हैं। और मैंने जो जिस तरीके का एक मेरे को वाइब्रेशन मिली थी, वो चीज़ मैंने आपके साथ बनाई है यहाँ पर। सो आई एम सो हैप्पी। ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा यूनिवर्स को, थैंक यू बोलिएगा इस कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर को भी लव वाइब्रेशन भेजिएगा, और खुश रहिए और अपने आप को बहुत सारा प्यार कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।